नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सिवनी कलेक्टर को अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपने, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया, हमारी मांगे यदि पूरी नहीं हो तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। जब तक पूर्ण रूप से आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी और राज्य सरकार के सद्बुद्धि के लिए भगवान शिव और हनुमान चालीसा का पाठ और हवन किया जाएगा। जिले के समस्त सहकारी समिति के कर्मचारी ने प्रमुख मांगों वर्ष 2019 से जारी सेवानियम अनुसार वेतनमान लागू किया जाए, मार्च 2021 में महासंघ के लिए गए शासन से समझौता अनुसार संस्थाओं के सहायक प्रभारी, लिपिक विक्रेता, कनिष्ठ विक्रेता, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैशियर, चौकीदार, तुलैया आदि अब सभी कर्मचारी ग्रामीण स्तर पर कार्यरत शासकीय कर्मचारियों की भांति वेतनमान दिया जाएगा। इसे तत्काल लागू किया जाए, उपयुक्त बिंदुओं का निराकरण किया जाए, कारण सहकारी समिति के समस्त कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, कर्मचारियों ने कलम बंद आंदोलन पर चले जाने से प्रशासन की योजना जैसे खाद्यान्न वितरण, उपार्जन कार्य, ऋण वसूली कार्य आदि कार्य पूर्ण रूप से बंद हो जाने से आम जन को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। शासन की योजना का लाभ आम जनता को नहीं मिल रहा, इसलिए उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टुडे 24 न्यूज़।